बस इतने पटाखे आपके पास? पटाखे यहाँ पर और भी हैं। बाबा आप ही ने तो कहा था कि बड़े बम लेकर आना, तो मैं बॉर्डर पे जाके बड़े बम ले आया। बेटा तेरे पास खुद के अपने इतने बड़े बम हैं। ये बम लाने की क्या जरूरत थी? और ये लाइटें बंद कर वरना बिल आएगा, समझा? लाइटें तो आपकी भी जल रही हैं पापा, आप भी बंद कर लीजिए वरना बिल आएगा। अपने बाप का बिल देखता है? बाप का बिल नहीं, बाप का दिल देख। आपका दिल मैं बाद में देख लूंगा पापा, गेस्ट आए हुए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। गैस को नमस्ते कीजिए बाबा। नमस्कार, कैसे हैं बाबा? ये क्या कर रहे हैं आप? गैस पीछे है, पीछे नमस्ते कीजिए। नमस्कार, कैसे हैं? पूरा मुड़ के नमस्ते कीजिए। नमस्कार, कैसे हैं? बाबा आपका नमस्ते पीछे रह गया। नमस्ते क्या आगे पीछे लगा रखा है तूने? नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार एकता जी। नमस्कार जी। नमस्ते। आज का जो हमारा एपिसोड है वो हिट होने वाला है। अच्छा, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि के फैक्टर जो है आपके लिए बहुत लकी है, क्यों जीतू जी? हाँ। और आज देखिए आप के से घिरे पड़े हैं। कपिल, कृष्णा, कीकू, कर्चना। अर्चना नहीं बाबा, अर्चना, अर्चना। अरे बदल दे उसका नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप लोग इधर उधर की बातों में पड़ के बैठिए, इधर आराम से। गेस्ट से चाय पानी तो पूछ लो आप। हाँ, मेरे पापा पूछेंगे पानी तो। अच्छा तू क्यों नहीं पूछेगा? बाबा पानी पिलाना धर्म का काम होता है। ऐसी बातें कर करके सारा दिन मुझसे काम करवाता रहता है ये। जीतू जी मुझे बताइए, ये झाड़ू पोछा करना, मिक्सर ठीक करना, कूलर में पानी भरना, ये क्या धर्म का काम होता है? ये सब धर्म का काम है? सनी का क्या काम है? सिर्फ हैंडपंप उखाड़ना? ऐसा मत कहिए पापा। वैसे ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जीतू जी, एकता जी, बताइए आप लोग क्या लेंगे? ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी? बेटा इनको ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी ये सब नहीं पसंद, इनको सिर्फ प्रॉपर्टी पसंद है। हमें मालूम है जीतू जी क्यों? पता है हम आर्टिस्ट जो हैं शूटिंग पे थक जाते हैं, घर जाके सो जाते हैं। जीतू जी शूटिंग से निकलते हैं, जहाँ थकते हैं वहाँ प्रॉपर्टी बना लेते हैं। है कि नहीं जीतू जी? वाह बाबा वाह, इनकी प्रॉपर्टी गिना दे रही है, हम कब अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे? बेटा तू मेरे साथ ऐसे ही फालतू की बातें करता रहे, तेरी भी प्रॉपर्टियां बन जाएंगी। क्या फर्क पड़ता है? ये बात भी सही है बाबा है। लेकिन कम से कम हमें प्रॉपर्टी बनाने के लिए फालतू की बातें तो करनी है। कुछ लोग है ना बातें करते हैं ना कुछ करते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं और जीतू जी पहली बार मुंबई आए थे तो दिल में सिर्फ एक ही बात थी। क्या बाबा? कि एकता कपूर का ऑडिशन देना है। ये क्या बात कर रहे हैं आप बाबा, तब तो एकता जी थी भी नहीं। हाँ यही तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा था शादी कर लो, एक होनहार बेटी पैदा करो जो आपका दुनिया भर में नाम रोशन करे, और आज देख लो क्या बात है। ये सब फिल्में तो हमने टाइम पास के लिए की थी, ये धर्मवीर इट वॉज टाइम पास, है कि नहीं जीतू जी? और वो बर्निंग ट्रेन याद है आपको? डैनी ने ट्रेन में आग लगा दी थी। आई डोंट लाइक डैनी। आई टेल यू बेटे, एकता बेटे, आई डोंट लाइक हिम।
वो बॉबी की बरसात आई थी ना, उसमें भी कॉलेज में आके मारामारी कर रहा था उसके साथ में। क्या है डैनी, आई डोंट लाइक। मुझे याद है पापा, करेक्ट है पापा, ये तो कुछ भी नहीं है, घातक में कातिया बन के मुझे भी बहुत परेशान किया है डैनी जी ने। क्या बात कर रहा है, बहुत परेशान किया मुझे उन्होंने। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं ठीक है पापा, होता है, मैंने सोचा कि रहने तो आपको क्यों तकलीफ दूं, पर मुझे बहुत परेशान किया। रोना नहीं मेरे बेटे, मेरा छोटू रोना नहीं। मुझे बताइए जीतू जी, अगर तुषार कोई कुछ बोल दे आप उसकी जान नहीं ले लेंगे? मेरे बेटे को रुला रहा है डैनी। डैनी को फोन लगा। नहीं नहीं पापा, इतनी फोन लगा, मैं उससे बात करूंगा डैनी से। रहने दीजिए ना पापा। अरे नहीं लगा, ये क्या बात है, मेरे बच्चों को परेशान करता है, अपने लिए मैं सह लूंगा, बच्चों के लिए मैं नहीं सहूंगा। अरे पापा डैनी जी का ही फोन आ गया। नहीं, नहीं, मैं नहीं बात करता। अरे पापा बात कीजिए। मैं नहीं, मैं क्या बात, अरे करो, मैं क्या, एक मिनट ये लीजिए पापा। प्रणाम डैनी साहब, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये क्या बातें कर रहे हैं, कातिया कातिया। हाँ खाना खा लिया आपने? मैं ठीक हूँ, मेरे डैनी ने खाना खाया पापा। क्या बातें कर रहे हैं पापा, डांटिए उन्हें, कातिया बनके मुझे परेशान किया। ये सनी आपसे बात करना चाहता है। नहीं, बात करना, अरे ले बात कर। हेलो डैनी अंकल, नमस्ते, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। आपने कातिया का रोल बड़ा अच्छा किया डैनी अंकल, मुझे आज भी याद है। हाँ आप जब कहें मैं काटूंगा, आप जब कहेंगे मैं भौंकूंगा। ओके जरूर जरूर अंकल, ऑल राइट टेक केयर, बाय बाय। पापा क्या करते हैं यार, अबे ओ फुसकी बम, घबरा गया है? फिल्मों में तो जाकर हैंडपंप उखाड़ लाया था। आपको पता है फार्म हाउस में एक मूली नहीं उखड़ती इससे। आपने क्या किया पापा, आपने क्या किया, मेरे डैनी ने ताना ताया, ये पूछ रहे थे आप? डांटना था आपको, क्या कर रहे थे? हाँ तो दिवाली है, दिवाली में लोगों को गले लगाया जाता है। नहीं पापा, दिवाली पे नहीं, ईद पे गले लगाया जाता है। हाँ तो क्या दिवाली में क्या गला घोट दे क्या लोगों का? खैर जीतू जी, मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है जब अपने लोग आते हैं। जब अपने पुराने लोग आते हैं ना तो एक अलग ही मजा होता है, अलग टाइप का मजा होता है। यहाँ जीतू जी ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है आपको? मैं तो कहता हूँ ये एसी थोड़ा बढ़वाओ यार, मच्छर भी बहुत हो चुके हैं। क्या बात, ये क्या, मैं कॉकरोच कैसे बन गए? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।